बहुत सालों बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क से बुलावा आया और हमें ढिकाला में रहने की जगह मिली। हम दोपहर को संडे को 2 बजे ही निकल पड़े। रात तक काशीपुर पहुँचे ताकि रात को वहाँ आराम करें और अगले दिन सुबह सुबह रामनगर पहुँच के जीप ले ली। जीप से 2.5 घंटे का सफ़र करके अब हम पहुँच गए हैं ढिकाला, और ढिकाला में सामने ही नज़र आए गजराज। इसी को तो मदमस्त कहते हैं। ढिकाला हम बहुत सालों पहले आए थे। जब से उत्तराखंड बना है तब तक अंदर रहने का जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इस बार हमें वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिला और साथ साथ मिली खिली हुई धूप। पुरानी यादें 10 साल पुरानी ताज़ा हो गई। शाम को बैठे तारे देखने के लिए, और काश मैं आपको वो सितारों से भरा आसमान दिखा सकती। साथ में वीनस भी था, चांद भी था। और कब रात बीत गई और सुबह 6:30 बजे हम लोग तैयार हैं सफारी के लिए। यहाँ की तो दुनिया ही अलग है। सुबह 6:15 बजे से जो चहल पहल शुरू होती है, 6:30 तक सारी गाड़ियाँ तैयार हैं और सब पहुँची कहाँ। लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। हल्की खामोश हलचल, खामोश हलचल भी हो सकती है, और क्यों। कॉर्बेट में टाइग्रेस नजर आए तो क्या कहने। इस वक्त कॉर्बेट में कम से कम 3-4 टाइग्रेस हैं, और ये वो है जिसके 3 बच्चे हैं। उसने हमें अपना जलवा दिखाया और वो चल दी। हम लोग फिर भी वेट कर रहे थे कि शायद उसके बच्चे भी बाहर आए, लेकिन वो अभी उनके पास जा रही थी। हम सबसे बेखबर, हम उनकी दुनिया में हैं, वो हमारी दुनिया में नहीं। और सुकून, खुशी जी चेहरे से नज़र आ रही है, खुशी और बहुत सारी खुशी। टाइगर नज़र आ जाए तो आपकी विजिट ही सफल हो जाती है। बाय बाय, जाओ अपने बच्चों का ध्यान रखो। और इतनी देर में सूरज भी अपना जो दीदार है वो करने लगा, और ये पेड़ों से छनकर आती हुई शाएं, शाएं यानी सूर्य की रेखाएं, क्या कहने। और पहुंच गए हम रामगंगा नदी। ठंड यहाँ अभी भी काफ़ी है। कितनी सफाई है, साफ हवा, साफ पानी, सुकून, लंग्स को रिचार्ज करने के लिए और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए शायद ये विजिट्स ज़रूरी होती हैं। पानी देखिए कितना साफ है, उतर के छूने की तो हिम्मत नहीं थी, बहुत ठंडा होगा। और सफारी के बाद आ गए वापस। डोंट मिस माई शॉल। बाय बाय, तुम्हारे शहर हम आए, तुम्हारी राह हम आए, खुश रहो।